हाँ मेरे भाई, ये सीख लो 2024 का फोटो एडिटिंग। मेरे भाई 2024 का बहुत ही भौकाल तरीके से फ़ोटो एडिटिंग करने वाला हूँ, जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोग ना हमारा बिफोर एंड आफ्टर फ़ोटो देख लीजिए, पहले और अब में कितना ज़्यादा फर्क है। तो मेरे भाई, आप भी ना कुछ इसी तरीके से ना 2024 में एकदम भौकाल तरीके से फ़ोटो एडिट करना सीख पाएंगे, वो भी बहुत ही आसान स्टेप में। तो चलिए मेरे भाई, बिना किसी बकवास के इस वीडियो को हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। एंड मेरे भाई, वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि 69% कुछ वैसे लोग मेरे वीडियो को वॉच करते हैं, वीडियो तो डेली देखते हैं मेरे भाई, बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले मेरे भाई, आप सभी को क्या करना है, सबसे पहले तो आप सभी को ये वाला बैकग्राउंड दूंगा। इस वाले बैकग्राउंड को आप सभी को क्या करना है, डायरेक्ट पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में शेयर करना है। पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में आने के बाद मेरे भाई, यहाँ पर आप सभी को क्या करना है, कुछ रिमूव करना है। पहले यहाँ इसके ऊपर क्लिक करना है, यहाँ एक लोगो आएगा, उस लोगो को डिलीट करना है। उसके बाद यहाँ एक ये होगा, इसको डिलीट करना है। उसके बाद मेरे भाई, आप सभी को क्या करना है, यहाँ रिमूव के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा मेरे भाई, थोड़ा सा लोडिंग लेगा, उसके बाद ये सब ख़त्म कर देगा। उसके बाद मेरे भाई, आप सभी का बैकग्राउंड कुछ इस तरीके से दिखने लग जाएगा। इतना काम हो जाने के बाद मेरे भाई, अब आप सभी को क्या करना है, यहाँ इफ़ेक्ट के ऊपर क्लिक करना है। इफ़ेक्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद मेरे भाई, यहाँ ब्लर का ऑप्शन आएगा, ब्लर के ऊपर क्लिक करके उसके बाद यहाँ से डन कर देना है। इतना काम हो जाने के बाद मेरे भाई, अब आप सभी को यहाँ से कट कर देना है। कट करने के बाद मेरे भाई, अपने गैलरी को ओपन करना है। गैलरी को ओपन करने के बाद मेरे भाई, अपना ओरिजिनल फ़ोटो को लेना है। एंड ओरिजिनल फ़ोटो को लेने के बाद मेरे भाई, अब आप सभी को क्या करना है, यहाँ से इस फोटो को डायरेक्ट स्नैपशीट एप्लीकेशन में शेयर कर देना है। उसके बाद मेरे भाई, यहाँ देखिए चौथे नंबर पे ऑप्शन आएगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से इसको डन कर देना है। इतना काम हो जाने के बाद मेरे भाई, फिर से टूल्स के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद मेरे भाई, टूल्स के ऊपर क्लिक करने के बाद मेरे भाई, यहाँ आएगा HDR स्पेस, इसके ऊपर क्लिक करना है मेरे भाई। उसके बाद इसका फिल्टर थोड़ा सा कम करना है एंड ब्राइटनेस को थोड़ा सा बढ़ा देना है। इतना काम हो जाने के बाद मेरे भाई, फिर से टूल्स के ऊपर क्लिक करना है। एंड टूल्स के ऊपर क्लिक करने के बाद मेरे भाई, अब आप सभी को यहाँ सिलेक्टिव वाला ऑप्शन दिख जाएगा। तो मेरे भाई, सिलेक्टिव वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करके आप सभी को अपने फेस के ऊपर ब्राइटनेस को बढ़ा देना है। इतना काम कर लेने के बाद मेरे भाई, अब आप सभी को क्या करना है, यहाँ से बिफोर एंड आफ्टर देख लेना है। देख लीजिए मेरे भाई, पहले हमारा फ़ोटो कितना फीका सा था और बहुत ही बेकार दिख रहा था, लेकिन मेरे भाई वहीं इस फोटो को देखिए, थोड़ा सा रिटचिंग हुआ है तो कितना हैवी क्लियरिटी में दिख रहा है और चमकता धड़कता हुआ दिख रहा है। तो इतना काम तो यहाँ पर मेरे भाई हमारा फाइनल हो चुका है। उसके बाद मेरे भाई, आप सभी को क्या करना है, यहाँ से इसी फोटो को डायरेक्ट यहाँ से शेयर करना है। कहाँ पे? तो मेरे भाई, यहाँ से डायरेक्ट आप सभी को लाइटरूम एप्लीकेशन में इस फोटो को शेयर करना है। तो चलिए फटाफट से हम क्या करते हैं, लाइटरूम एप्लीकेशन में इस फोटो को शेयर कर लेते हैं। यहाँ देखिए मेरे भाई, हमारा लाइटरूम एप्लीकेशन आ जाएगा। इसके ऊपर क्लिक करेंगे एंड इसके ऊपर क्लिक करने के बाद मेरे भाई, यहाँ ऑल फोटोज़ के ऊपर क्लिक करेंगे। एंड ऑल फोटोज़ के ऊपर क्लिक करने के बाद मेरे भाई, मैं आप सभी को एक पर्सनली प्रीसेट दूंगा, ये वाला। इस वाले प्रीसेट को ले लेना है आप सभी को। इस वाले प्रीसेट को लेने के बाद मेरे भाई, आप सभी को यहाँ थ्री डॉट के ऊपर क्लिक करना है। थ्री डॉट के ऊपर क्लिक करने के बाद मेरे भाई, यहाँ कॉपी सेटिंग के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद मेरे भाई बैक जाना है। उसके बाद मेरे भाई, आप सभी को क्या करना है, अपना जो फोटो होगा ना स्नैपशीट से आप लाइटरूम एप्लीकेशन में शेयर किए होंगे, उस फोटोज के ऊपर पेस्ट कर देना है। तो वन क्लिक में हमारा इस तरीके से तो बन जाएगा मेरे भाई।
अब क्या करना है, इसका बैकग्राउंड को रिमूव करना है। तो सबसे पहले मेरे भाई यहाँ से इस फोटो को हम सेव कर लेते हैं। तो चलिए मेरे भाई फटाफट से हम क्या करते हैं, इस फोटो को ना यहाँ से हम सेव कर लेते हैं। एंड मेरे भाई यहाँ से सेव कर लेने के बाद क्या क्या प्रोसेस है एंड क्या क्या काम करना होगा आप सभी को वो बता रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ से तो फोटो सेव हो गया, उसके बाद अब आप सभी को पिक्सट एप्लीकेशन में आ जाना है। यहाँ पर आने के बाद मेरे भाई आप सभी को यहाँ स्क्रॉल करके आना है। एंड मेरे भाई स्क्रॉल करके आने के बाद यहाँ ऐड फोटोज का ऑप्शन आएगा, तो ऐड फोटो के ऊपर क्लिक करना है। और यहाँ से मेरे भाई जिस फोटो को आप सेव किए थे लाइटरूम एप्लीकेशन में, इस फोटो को ऐड कर देना है। तो अभी मेरे भाई हमारा कुछ इस तरीके से दिखने लग जाएगा। उसके बाद मेरे भाई अब आप सभी को क्या करना है, यहाँ नीचे के साइड देखिए रिमूव बीजी का ऑप्शन आएगा, इसके ऊपर क्लिक करके मेरे भाई यहाँ रिमूव बैकग्राउंड का ऑप्शन आएगा। इसके ऊपर जैसे ही क्लिक कीजिएगा मेरे भाई, थोड़ा सा लोडिंग लेगा और वन क्लिक में आपका बैकग्राउंड देखिए कटआउट कर देगा। तो मेरे भाई उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सबको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन दबा दीजिए। चलिए मिलते हैं एक फ्रेश वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।